मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। एक युवक पहुंचा यूपी पुलिस के पास और उसने लगाई गुहार अपनी शादी को लेके। उसने बोला, साहब मेरी शादी करवा दो, अब तो रातों को नींद भी नहीं आती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इनकी परेशानी क्या है, आखिरकार ये पुलिस से गुहार क्यों लगा रहे हैं अपनी शादी को लेके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने शामली से आ रहा है, शामली में एक किराना क्षेत्र है, वहाँ पर एक्चुअली में एक युवक रहता है जिसका नाम है अजीम। अजीम जो है उनकी हाइट जो है काफी ज्यादा कम है, जिसके कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है। उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई और उसी दौरान ही शामली जो कि किराना क्षेत्र की पुलिस है वहाँ पर वो चले गए और यूपी पुलिस को उन्होंने गुहार लगा दी। उन्होंने नी पे बैठ के पुलिस के सामने ये बात बोली कि साहब अब तो मेरी शादी करवा दो, अब तो मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे जीवन साथी भी चाहिए। उसी के साथ साथ उन्होंने अजीम ने ये भी बात बोली कि लड़की चाहे कैसी भी हो चलेगा, अगर पढ़ी लिखी हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस दौरान ही ये सब चीजें जानने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे ये बातें जो है वो काफी ज्यादा फैली हुई है। अजीम ने ये चीज बताई है कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखे इसके बारे में बताया था, पर वहाँ पर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसा वो पहले भी काफी बार कर चुके हैं पर कोई भी उनका एक्चुअली में सुनता कुछ नहीं है। अभी एक्चुअली में उनकी एज काफी ज्यादा हो रही है, उनको कोई भी लड़की मिल नहीं रही है, जिसके कारण उनको अकेलापन महसूस होता है और रातों को नींद तक नहीं आती है, और इसीलिए वो पुलिस वालों से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनकी शादी करवा दे। तो अभी आप ही बताइए कि अजीम को क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।